नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज मैं लेकर आ चुका हूँ कम्यूटर सेगमेंट की दो बेस्ट सेलिंग बाइक। एक तरफ है मेरे पास में हीरो का पैशन, दूसरी तरफ है मेरे पास में बजाज का प्लेटिना 110cc। इन दोनों बाइक का मैं डिटेल में कुछ पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं इसका डिटेल में कंपैरिजन। जब भी कोई बायर बाइक परचेज करने का प्लान करता है तो कुछ उसकी अपनी नीड्स होती हैं, जैसे कि पावर, परफॉर्मेंस, डिजाइन, माइलेज या फिर बजट। तो क्या है, दोनों बाइक में किसी बाइक में कुछ चीज़ें हैं, किसी बाइक में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन क्या है ये दोनों ही बाइक 110cc की कैटेगरी की आ जाती हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पैशन परचेज करें या फिर परचेज करें प्लेटिना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इसका डिज़ाइन, इन दोनों के डिज़ाइन जो है वो एक अपनी चॉइस हो जाती है। किसी को कुछ डिज़ाइन पसंद आता है, किसी को कुछ डिज़ाइन पसंद आता है, लेकिन क्या है कि अगर आप पैशन पर नज़र डालेंगे तो पैशन जो है वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आती है और प्लेटिना जो है वो थोड़ी सी छोटी नज़र आती है। इसके बाद क्या है कि जो यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह यूज़ किए गए हैं पैशन में, वो नए ग्राफिक्स आ चुके हैं, काफ़ी फंकी सा लुक आ जाता है। इसमें कुछ ऐसे कलर्स भी यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी अलग हो जाते हैं, जैसे येलो कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, वो काफ़ी अलग से नज़र आते हैं। वहीं अगर आप बजाज के प्लेटिना पे जाएंगे तो प्लेटिना पे भी कंपनी टाइम टू टाइम चेंजेस करती रहती है और नए नए कलर्स इंट्रोड्यूस करती रहती है। अभी क्या है कि ये जो कलर आप देख रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव ये भी नज़र आता है, ग्रे कलर का ऑप्शन मिलता है क्योंकि वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है और कंपनी उसको चारकोल ब्लैक भी बुलाती है। लेकिन क्या है कि एक ड्रॉबैक मुझे ये लगता है प्लेटिना के साथ में कि ये बाइक थोड़ी सी छोटी नज़र आती है। डिज़ाइन वाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि डिज़ाइन आपको किसकी पसंद आती है, लेकिन ये फैक्ट है कि बजाज का प्लेटिना जो है थोड़ा सा छोटा नज़र आता है इन कंपैरिजन टू पैशन। अगला जो मेजर पॉइंट हो जाता है अगर कोई बाइक परचेज करने जाता है तो वो है इंजन, किसका इंजन ज़्यादा बेहतर है। देखिए ऐसा है कि बजाज की प्लेटिना में ई कार्बोरेटर दिया गया है, वहीं हीरो के पैशन में फ्यूल इंजेक्शन के साथ में आ जाती है। इसके साथ में क्या है कि यहाँ पर जो बजाज की प्लेटिना में इंजन है वो दिया गया है 115.45cc का और हीरो के पैशन में इंजन दिया गया है 113cc का। लेकिन क्या है यहाँ पर पावर आउटपुट में थोड़ा फर्क आ जाता है। पैशन में पावर आउटपुट लगभग 9 PS के आसपास मिल जाती है और वहीं अगर आप प्लेटिना के साथ में जाते हैं तो प्लेटिना में पावर मिलती है 8 point something PS की यहाँ पर पावर मिल जाती है। तो क्या है टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता लेकिन पावर आउटपुट में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इसको चलाएंगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। हीरो के पैशन आप जब चलाएंगे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिले, लेकिन क्या है कि बजाज के प्लेटिना का इंजन जो है वो ज़्यादा रिफाइन है इन कंपैरिजन टू हीरो पैशन। और दूसरी चीज़ है कि अभी भी इसमें क्या है कि इससे पहले भी मैंने पैशन चलाया और अभी भी मैंने जब पैशन चलाया तो गियर का कहीं ना कहीं फ़र्क आ रहा है और आज भी जो है हीरो के पैशन का जो गियर शिफ्टिंग है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना अच्छा बजाज के प्लेटिना का है। तो क्या है कि यहाँ पर बजाज के प्लेटिना में 5 gears मिल जाते हैं और वहीं हीरो के पैशन में 4 gear मिल जाते हैं, लेकिन पावर की बात करें तो थोड़ा सा पैशन आगे निकल जाता है बजाज के प्लेटिना के मुकाबले। इंजन परफॉर्मेंस के बाद में अक्सर लोग नोटिस करते हैं कि किसका माइलेज ज़्यादा बेहतर है या किस बाइक का ज़्यादा माइलेज बेहतर निकलेगा, क्योंकि बाइक लेने के बाद भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो क्या है कि माइलेज के मामले में बजाज का प्लेटिना हीरो के पैशन से बहुत आगे निकल जाता है। हालांकि यहाँ पर कंपनी हीरो के पैशन में बोलती है कि इसमें i3s टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन क्या है फिर भी जो है यहाँ पर बजाज का प्लेटिना माइलेज के मामले में बहुत बेहतर निकल जाता है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो बजाज के प्लेटिना और हीरो के पैशन के माइलेज में लगभग 10 KMPL के आसपास का माइलेज का डिफरेंस आ जाता है। तो माइलेज के मामले में बजाज का प्लेटिना काफ़ी बेहतर हो जाता है हीरो पैशन के मुकाबले। इन दोनों बाइक के अगर मैं टायर की बात करूं तो दोनों बाइक में 80/100 सेक्शन के टायर दिए गए हैं, चाहे वो फ्रंट हो या फिर रियर हो। लेकिन क्या है एक जो मेजर फर्क आता है वो आ जाता है व्हील्स का। बजाज के प्लेटिना में 17 inches के व्हील दिए गए हैं और वहीं हीरो के पैशन में 18 inches के व्हील दिए गए हैं। तो यहाँ पर व्हील का फ़र्क आ जाता है, व्हील थोड़े से बड़े मिल जाते हैं। लेकिन क्या है यहाँ जो बजाज के प्लेटिना में जो यहाँ पेंट यूज़ किया गया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है, कुछ अलग सा यहाँ पर कलर कंपनी ने यूज़ किया है। और वहीं
भाई हीरो के पैशन में वही पुराने ब्लैक पेंट यहाँ पर कंपनी यूज करती आई है। तो यहाँ पर जो यंग लोगों को शायद यहाँ पर व्हील जो है वो बजाज के प्लेटिना का काफी अट्रैक्टिव लगे। बाकी यहाँ पर व्हील साइज जो है वो 1 इंच का फर्क आ जाता है। बजाज के प्लेटिना का सस्पेंशन बहुत ही जबरदस्त मिलता है। दोनों ही बाइक को आज जब चलाएंगे खराब रास्तों पे तो एक्सपीरियंस करेंगे कि बजाज का प्लेटिना काफी ज्यादा कंफर्टेबल प्रोवाइड कराता है या काफी कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर कंपनी नाइट्रॉक सस्पेंशन देती है जिसकी वजह से क्या है कि खराब रास्तों पे ये बाइक काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस बाइक को चलाते हैं तो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें बजाज के प्लेटिना के साथ में। बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बजाज के प्लेटिना में फ्यूल टैंक दिया गया है 11 लीटर्स का और वहीं हीरो के पैशन में फ्यूल टैंक दिया गया है 10 लीटर्स का। तो यहां पर 1 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, हालांकि देखने में बजाज के प्लेटिना का फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा नज़र आता है। इसके साथ में जो सीट है, सीट यहाँ पर देखेंगे बजाज प्लेटिना की काफ़ी लंबी सीट मिल जाती है, फ्लैट दी गई है और थोड़ा सा यहाँ पर प्रीमियम कवर कंपनी ने यूज़ किया है। वहीं अगर आप जब हीरो के पैशन के साथ में जाते हैं तो इसकी सीट थोड़ी सी छोटी है क्योंकि यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ में कर दिया गया है और यहाँ फ्लैट सीट नहीं मिलती, हल्का ये नीचे की तरफ में आ जाता है। हालांकि दो लोग यहाँ पर भी आराम से बैठ पाएंगे, लेकिन एक चीज़ पैशन में काफ़ी अच्छी मिल जाती है, यहाँ पर जो कंसोल पैनल कंपनी देती है वो यहाँ पर सेमी डिजिटल देती है और तो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहीं अगर आप बजाज के प्लेटिना के साथ में जाते हैं तो यहाँ बजाज के प्लेटिना में पूरा एनालॉग में देखने को मिल जाता है। इंजन फीचर परफॉर्मेंस के बाद में प्राइस भी काफ़ी कुछ मैटर करता है। प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है इन दोनों बाइक्स में। बजाज प्लेटिना 110 डिस्क मॉडल का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश का 63,360 रुपीज़ डिस्क वेरिएंट का, और अगर आप हीरो के पैशन के साथ में जाते हैं डिस्क वेरिएंट पे तो उसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 70,375 रुपीज़। तो देखा जाए एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है इन दोनों बाइक्स में, लगभग 7,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, तो देखिए इसमें अगर आपको बेहतर माइलेज चाहिए, रिफाइंड इंजन चाहिए और कंफर्टेबल राइड चाहिए तो आप बजाज की प्लेटिना के साथ में जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बड़ी बाइक चाहिए, रीसेल वैल्यू बेहतर चाहिए और थोड़ा सा पावर ज़्यादा चाहिए तो आप हीरो के पैशन के साथ में जा सकते हैं। तो आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।